एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। एनसीआर क्षेत्र की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याओं को हमें भेजें, जिससे हम आपकी समस्याओं को, जन समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा सकें। आप जो चित्र देख रहे हैं यह सिकंदराबाद में विजय द्वार के निकट रखे ट्रांसफार्मर का है, जिसमें भीषण आग लग गई और धू धू कर ये ट्रांसफार्मर जल गया और इसकी चपेट में आकर एक बाइक भी जलकर राख हो गई। इसे घटना को देखकर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। आग लगने के बाद हाईवे पर वाहनों का आवागमन भी बंद हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रांसफार्मर के आसपास एकत्रित भीड़ को हटाया। पुलिस द्वारा आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब जाकर 15 मिनट बाद आग पर काबू पाया गया। घटना मंगलवार शाम 7 बजे की है। वहां पर 630 केवीए के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि ट्रांसफार्मर के पास में खड़ी एक बाइक जलकर राख हो गई। वहीं ट्रांसफार्मर के आसपास के दुकानदारों में भगदड़ मच गई और रास्ता भी बंद हो गया। पुलिस ने ट्रांसफार्मर के आसपास के लोगों का जाना आना पूरी तरह से बंद कर दिया। पुलिस द्वारा आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की गाड़ी जब मौके पर पहुंची, तब इस आग पर काबू पाया गया। हमारे रिपोर्टर रोहित बंसल ने बताया कि एकदम आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस की सक्रियता के कारण यह मामला जल्दी काबू में आ गया।